क्लास में आप लोगों को डाइजेशन बक्कल कैविटी बता चुका था। नेक्स्ट क्या है? डाइजेशन ईसोफेगस। ईसोफेगस में ओ साइलेंट है, याद रखिएगा। कह रहे हैं ईसोफेगस सिंपली कंडक्ट द फूड फ्रॉम फेरनिक्स इनटू स्टमक, मतलब इसका मेन वर्क है फेरनिक्स से फूड को लेकर स्टमक तक ले जाना। द मसल्स ऑफ वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्रिएट पेरिस्टेटलिस मूवमेंट, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं वो ईसोफेगस पार्ट में क्या करती हैं, पेरिस्टेटलिक मूवमेंट को क्रिएट करती हैं। पेरिस्टेटलिक मूवमेंट में क्या होता है, विच इंक्लूड अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी एक बार फैलेगा और एक बार फिर सुखड़ेगा, फिर फैलेगा फिर सुखड़ेगा। एंड कह रहे हैं क्या है हमारा, रिलैक्सेशंस ऑफ मसल्स ऑफ द वॉल, या तो भाई एक क्या होगा इसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन है तो पहले फैलेंगे फिर पचकेंगे फिर फैलेंगे फिर पचकेंगे फिर, यानी रिलैक्स भी होते रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट भी होते रहेंगे। तो ऐसे फूड जो है हमारा, फूड पार्टिकल जब ईसोफेगस में आया तो वो स्वाइल हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो आगे बढ़ेगा, फिर आगे जब बढ़ेगा तो आगे वाला पार्ट फैल जाएगा, फिर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर ऐसे करते करते फूड आगे की ओर मूव करता है और इस मूवमेंट को हम पेरिस्टेटलिस कहते हैं। दूसरा है डाइजेशन इन स्टमक। कह रहा है स्टमक रिटेन द फूड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी स्टमक में जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहता है। सबसे ज़्यादा देर तक अगर कहा जाए कि सर फूड कहाँ पे रुकता है या डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वो स्टमक है। स्टमक में सबसे ज़्यादा देर डाइजेशन होता है। कह रहे हैं चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक वाल क्रैश एंड मिक्स फूड। अब इसमें जो कहा जाए चर्निंग मूवमेंट क्या है कि स्टमक की जो वॉल होती है वो लगातार पचकती और फैलती हैं, जिससे क्या होता है जो फूड होता है वो क्रैश होता है और मिक्स होता है फूड बाय गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है दरअसल स्टमक की जो वॉल होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो जूस निकालते हैं जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। एंड फॉर्म अ काइम, और किसको फॉर्म करता है, फूड को लगातार करके डाइजेस्ट करके काइम बनाता है। कह रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अभी मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन HCl, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl होता है, एंड एंजाइम्स पाए जाते हैं। HCl परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, HCl जो है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, इसके फॉलोइंग फंक्शन है। पहला, HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, जो फूड है उसको एसिडिक में कन्वर्ट करने वाला कौन है, हमारा HCl है। दूसरा, इट किल हार्मफुल बैक्टीरिया, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको किल करता है। नेक्स्ट, इट कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन, जो इनएक्टिव हम लोगों में जो निकलता है कहा जाए हॉर्म वो इनएक्टिव है हमारा पेप्सिनोजन, इसको HCl कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन एंजाइम में। एंड लास्ट है, इट कन्वर्ट हार्ड फूड मटेरियल इंटू सॉफ्ट फूड, ये हार्ड फूड मटेरियल को क्या करेगा, सॉफ्ट फूड में चेंज कर देगा हमारा। नेक्स्ट, जैसे कह रहे हैं एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस है हमारे, जैसे पेप्सिन है, इट कन्वर्ट प्रोटीन इंटू प्रोटीएस एंड कहा जाए पेप्टोन्स, तो जो आपका पेप्सिन है उसका काम है प्रोटीन को कन्वर्ट करना प्रोटीएस एंड पेप्टोन्स में। कह रहे हैं रेनिन है विच डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इज प्रोबेबली इंटू सिक्रेटेड इन मैन, यानी जितना भी मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन जो हमारा कहा जाए केसिन है, इस केसिन प्रोटीन के कारण ही मिल्क का जो कलर है वो वाइट होता है, तो उसको कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करता है ये।